माइक पे हम इसलिए बोलते हैं, टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिम समुदाय की आस्था को ठेस पहुंचाई है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के इस विवादित बयान के बाद शुक्रवार को सिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ चौक कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कोतवाली में तहरीर में सैफ अब्बास नकवी ने आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने सिया सुन्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मौलाना सैफ अब्बास नकवी का कहना है कि हजरत अली के प्रति हर रंग, हर धर्म, हर जनजाति के लोग श्रद्धा रखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी की आस्था को ठेस पहुँचाई है। मौलाना सैफ अब्बास ने चुनाव आयोग और भारत सरकार से धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने और कानूनी कार्यवाही करने की अपील की है। चौक थाना प्रभारी नागेश उपाध्यक्ष से कार्यवाही का आश्वासन मिलने के बाद मौलाना सैफ अब्बास समेत उनके साथ साथ मौजूद अन्य लोग घर वापस चले गए। इस विवाद के बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा ने यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की है और उस वीडियो में बागेश्वर धाम वाले बाबा मुस्लिम समुदाय के लोगों से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। सनातन धर्म तो सम्मान से कहता है, लेकिन एक जो वीडियो वायरल हो रहा है मौलाना के खिलाफ, आपका सत्य या असत्य क्या है इसकी वीडियो की बात? बिल्कुल बेझिझक आपने जो पत्रकार महोदय पूछा कि सनातन धर्म सबका सम्मान सिखाता, बेझिझक हम इसके साथ हैं और कभी भी हमने किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोला। जो सनातन धर्म के विरुद्ध या सनातन धर्म के खिलाफ में साजिशें होती हैं उन पर चर्चा की, सनातनियों को जगाने की चर्चा की। हम कभी किसी की बुराई नहीं करते, ना किसी भी मजहब की बुराई करते हैं। और आप कैसी बात करते हैं, देखो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है, इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ कि इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन कोई नाम रख लेता, जिन में फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी। तब हमने कहा कि ऐसा नाम नहीं लेते हैं और हमने फिर कहा कि बजरंगबली। तो हम सबको यही कहेंगे कि वीडियो का दुष्प्रचार ना करें, और आपको भी कहेंगे पत्रकार महोदय कि हम कभी भी किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, न रहेंगे। हमारे प्रति, हमारे हृदय में सबके प्रति सम्मान है, सभी मजहब के प्रति सम्मान है, सभी मजहबों को ईश्वर के प्रति सम्मान है। हम तो केवल अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए किसी को भी दुख पहुंचा पुनः पुनः क्षमा। यह वीडियो असत्य जो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से माफी मांग ली है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी भी धर्म और किसी भी समुदाय के लोगों का नाम बिना लिए एक जुमला बोल दिया था, जिसके चलते अब तक उनको जेल के अंदर डाला गया है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने हजरत अली की शान में साफ साफ गुस्ताखी की है, जिसके चलते उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर एक ही टैग रैंक कर रहा है, जिसमें लिखा जा रहा है कि अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री, और पूरे सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री को अरेस्ट करने की मांग की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर कर दें।